हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्दी हेल्थ फॉरएवर पे। आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो हम में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में हार्ट अटैक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में या इस टॉपिक में हम यही बात करेंगे, ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जिनसे आप हार्ट अटैक को जल्दी से पहचान सकते हैं और सर्दियों में आप हार्ट अटैक के खतरे को कैसे कम कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पर मिलते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन वार्निंग साइंस के बारे में जो हार्ट अटैक के मरीजों को आते हैं। जब लक्षण आने शुरू होते हैं हार्ट अटैक के, तो ये कुछ वार्निंग साइंस हैं जो आना शुरू होते हैं। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। और जैसे ही देखिए सर्दियों का मौसम आता है, टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, तो आपके आर्टरीज जो है वो थोड़े से सिकुड़ने लगते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो सबसे पहला वार्निंग साइन होता है चेस्ट डिस्कम्फर्ट, खासतौर से आपको सेंट्रल चेस्ट में यहाँ पे तेज दर्द होता है। उसी के साथ साथ जो दूसरा लक्षण होता है वो मरीज को सांस फूलने लगती है, ब्रेथलेसनेस होने लगती है, इवन वो बैठे बैठे आप चल भी नहीं रहे तब भी आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तीसरा जो ये चेस्ट पेन है वो दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है, इनकी रेडिएटिंग चेस्ट पेन हो सकता है कि जैसे ये चेस्ट कोई दबा रहा हो, भींच रहा हो, इस तरह के लक्षण आएंगे। और आपको जो दर्द है वो या तो आपके इस बाजू में या दोनों बाजू में, लेफ्ट राइट किसी में भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन वो लेफ्ट बाजू में होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो अक्सर मिस होता है जॉ पेन, कई बार मरीज के जबड़े में भी दर्द होता है अगर मरीज को हार्ट अटैक होता है, हेडेक्स भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, और कई बार जो गैस के लक्षणों से जिसको कंफ्यूज कर लिया जाता है और जहां पे अक्सर मरीजों की जान चली जाती है, तो अगर एपिगैस्ट्रिक पेन है, पेट दर्द भी होता है मरीज को, तो ये भी कई बार एक हार्ट अटैक का लक्षण होता है। इसको कभी भी आप इग्नोर ना करें। और साथ ही साथ मरीज को इवन बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, कई बार मरीज के कपड़े तक गीले हो जाते हैं, इतना तेज पसीना आता है। तो इस समय ये मान के चला जाए कि जो पेशेंट है या जिसको आप ये लक्षण देख रहे हैं उसको हार्ट अटैक आ गया है। तो अब बात आती है कि अब क्या करें, इससे बचाव कैसे करें, और अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो क्या करें। तो पहले बात कर लेते हैं कि अगर देखिए किसी को हार्ट अटैक आ ही गया तो ये सारे लक्षण आप किसी को देख रहे हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप इस मरीज की जान बचा सकते हैं। सीधा सा नियम है, जब भी आप इस तरह के लक्षण किसी मरीज में देखते हैं, सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल कर लेना है, क्योंकि जितना डिले होता है ट्रीटमेंट के शुरू होने में उतना ही जान जाने का खतरा बढ़ता है। अगर आप 2 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं हार्ट अटैक के, तो ज्यादातर केसेस में मरीज की जान बच जाती है। तो आपको सबसे पहले इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना है, एम्बुलेंस को बुला लेना है, और उसी के साथ साथ आपको CPR शुरू कर देना है। CPR का मतलब होता है कि आपको चेस्ट कंप्रेशन देने होते हैं, लेकिन अगर आपको रेस्क्यू ब्रीथ भी देना आता है तो वो भी आप कर लें। बट सीधा सा नियम है कि आप मरीज की छाती पे, यहाँ पे आपको आपका जो ये हथेली है ये मरीज की चेस्ट पे जाती है, और आप उतना करीब दबाते हैं 2 इंच तक छाती दब जाए, हड्डी टूट जाए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको हर कंप्रेशन करीब 2 इंच तक प्रेशर देना, पूरा बॉडी का जोर ऐसे जाना चाहिए जब आप CPR कर रहे होते हैं, और करीब 100 से 200 कंप्रेशंस पर मिनट जाने चाहिए। बीच में चाह सकते हैं तो आप हर 30 कंप्रेशंस के बाद एक रेस्क्यू ब्रीथ दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेंड है, अगर आप ट्रेंड नहीं है तो आप सीधे CPR करते रहे अंटिल अनलेस आपको मेडिकल हेल्प ना आ जाए या एम्बुलेंस आपके मरीज के पास ना पहुंच जाए। अगर आप CPR कंटिन्यू करते हैं तो आप मरीज के हार्ट को सेव करके रखते हैं जब तक कोई मेडिकल हेल्प आती है, और उसके बाद जब मेडिकल हेल्प आती है तो वो अपना काम शुरू कर देते हैं। दूसरा देखिए, अगर आप मरीज इस हालत में है कि उसको मुंह में आप कुछ दे सकते हैं, वो निगल सकता है, तो सबसे बेहतर है कि उसके मुंह में एक एस्पिरिन या डिस्पिरिन की टैबलेट डाल दें, जिसको वो चबा ले और ये अब्जॉर्ब हो जाएगी आपके मुंह के अंदर से, ये भी हार्ट अटैक के रिस्क को काफी हद तक कम कर देता है। दूसरा ये भी देखा गया है कि आप अगर मरीज को कुछ हल्के सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर वो मुंह में अदरक डाल के चबाने लगे और थोड़ा घुटनों के बल बैठ जाए, अगर उसको कोई CPR नहीं मिल रहा है, तो ये भी एक रिस्क को अवॉइड करने का एक फायदा होता है। या आप तेज तेज खांसने लगे, अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आता हो, आप बहुत तेज तेज खांसते रहे काफी देर तक, और साथ में आप तब तक अपने फोन से किसी को आप इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये तो आपको एक्शन लेना है जब किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो या आपको किसी तरह के इस तरह के लक्षण आ रहे हो। अब बात आती है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए सर्दियों के दिनों में आपको क्या करना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप मेंटेन करें हेल्दी लाइफ स्टाइल। उसके लिए आपको क्या होगा कि आप डेली कम से कम 30 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग एक्सरसाइज करें। ऐसा भोजन ना करें जिसके अंदर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स हो, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए, तो ऐसा कोई भी भोजन ना करें। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हार्ट अटैक का रिस्क अपने आप से कम हो जाएगा। डाइट में आप थोड़ा नमक कम लें,
नमक कम खाएंगे तब भी आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। हरी सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके लीवर से और बॉडी के दूसरे हिस्सों से टॉक्सिन्स को निकाल देते हैं, फ्री रेडिकल्स को निकाल देते हैं, जिससे आपकी जो ब्लड वेसल्स की जो लेयर्स हैं वो हेल्दी रहती हैं। और ऐसे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिनके अंदर ज्यादा चिकनाई ना हो, जैसे आप दाल मखाना खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, मुनक्का खा सकते हैं, इस तरह की चीजें जो है वो आपको फायदा करती हैं। दूसरी बात आ जाती है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें। स्मोकिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तीसरा, देखिए आप अपने आप को वार्म रखें, स्टे वार्म। आप कई सारे लेयर्स कपड़ों की पहन के रखें, जैकेट पहन के रखें, बाहर अगर निकलते हैं तो कोशिश करें कि बिल्कुल अपने आप को कवर करके जाए सो दैट आपको सर्दी का ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। अगर आप बूढ़े हैं तो घर में रहें, बाहर कम से कम निकलें, और बीच बीच में कुछ गर्म फ्लूड्स, थोड़ा गर्म पानी, गुनगुना पानी, ऐसी चीजें लें जो बहुत ज्यादा ठंडी ना हो, लेकिन ऐसी चीजें पिए जो वार्म दें अंदर से, थोड़ा बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा के रखें। चाय, कॉफी, कहवा, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, देखिए आप सर्दी के दिनों में पानी भी ज्यादा पिए। आपको हाइड्रेशन अगर मेंटेन रहेगा, आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे तब भी आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा और हार्ट की हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो ये काम भी बहुत जरूरी है कि आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। आपको सर्दियों में प्यास कम लगती है लेकिन आप गुनगुना पानी या तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो आपका हार्ट सेफ रहेगा, रिस्क कम हो जाएगा। और स्ट्रेस को पास ना आने दें। देखिए अगर स्ट्रेस आप लोअर रखेंगे तो ब्लड प्रेशर भी आपका कम रहेगा और हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाएगा। तो अगर जो भी ऐसा स्ट्रेस का एनवायरमेंट है उसको थोड़ा दूर करके रखें, घर में थोड़ा हंसी मजाक और अच्छे से लोगों से मिलने जुलने की बात करें, अपनों से बात करें, ये भी आपके स्ट्रेस को कम करके रिस्क को कम करेगा। और एक बहुत बड़ी चीज, आप अपने भोजन में जो है अदरक और लहसुन का इस्तेमाल सर्दियों में बढ़ा दें। ये दोनों ही जो नेचुरल तरकीब में बात करूंगा, ये आपके किचन में दोनों चीजें मिल जाती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करते हैं, वेसल्स को थोड़ा डायलेट करते हैं या रिलैक्स करते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है और आपका जो हार्ट का फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सर्दी के दिनों में डेफिनेटली आपको इसको फॉलो करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें सो दैट इसका फायदा बहुत सारे लोगों को मिले। अगर आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।